तो दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ देवरत्न अग्रवाल, ऑथर ऑफ 2 बेस्ट सेलिंग बुक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन मोबाइल रिपेयरिंग। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा आज लक्ष्य की। बहुत सारे लोग हमारे जैसे या किसी भी एज के अपना लक्ष्य बनाते हैं, एक ड्रीम बनाते हैं, या मैं बात करूँ अपने ड्रीम को चेज करने के लिए मेहनत करते हैं और फिर भी सफल नहीं पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। हम एक ड्रीम्स बनाते हैं अपनी लाइफ को लेके। फॉर एग्जांपल कि एक लड़का है जो एक एक्टर बनना चाहता है और वो एक्टर बनने के लिए सोचता है कि वो मुंबई जाए और कुछ स्ट्रगल करे, जो एक दो साल हर स्ट्रगल करे, एक दो साल कुछ काम करे और हो सकता है कि उसको अच्छा रोल मिल जाए और उसका जो सपना है एक्टर बनने का वो पूरा हो जाए। पर उसके घर वाले उस पर बिलीव नहीं करते क्योंकि ये एक्टर बनने का ये जो काम है इसमें रियलिटी बहुत कम होती है। आप अगर अपना समय निकाल दोगे तो आपका आउटपुट कुछ नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग इसमें नेगेटिव भी डालेंगे और ऐसा नहीं है कि पूरा नेगेटिव है, क्योंकि अगर सक्सेस हो गया तो वो अपने लाइफ में इतने आगे बढ़ जाएगा जितना उनके घर वालों ने भी उसके बारे में सोचा नहीं होगा। वैसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, हम में से लोग होते हैं कि हम टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मोबाइल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं और उनके घर वालों को उनके सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वो सोचते हैं कि यार ये छोटा मोटा सा काम है, ये काम करके क्या करेगा, या ये टेक्नीशियन ये सोचता है कि यार ये काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लोगों को एक एक साल लग जाता है सीखने में और मैं कैसे सीखूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया हूँ और ये इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी वर्ड मैं कैसे सीख सकता हूँ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रीम को चेस करने के लिए सिर्फ अपने अंदर एक विश्वास पैदा कीजिए, एक विश्वास कि वो कभी खत्म ना हो सके जब तक कि आप अपने ड्रीम को चेस ना कर ले, और एक जिद पैदा कर लीजिए और वो जिद आपको आपके ड्रीम्स तक लेके जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने ड्रीम को चेस करने तो जाते हैं पर उसको ये सोचते हैं कि यार वो चेस नहीं हुआ तो क्या करूँ, चलो एक बैकअप प्लान बना लेते हैं, और बैकअप प्लान में वो दूसरा काम भी अपने साथ में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार अगर मान लो मैं एक्टर नहीं बन पाया, अगर मान लो मैं फलाना नहीं बन पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, या मैं कुछ भी नहीं बन पाया, सो कम से कम ये तो चीज़ कर ही लूँगा और ये इससे करके अपना गुजारा कर लूँगा। और यही बैकअप प्लान के कारण ना वो ये चीज़ कर पाते हैं ना अपने ड्रीम को चेस कर पाते हैं और जीवन में असफल हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, ये कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ये कहानी है एक किले की जो समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर रहता है और जो बहुत पहाड़ों पर, टापू में भी पहाड़ के ऊपर रहता है और बहुत इतना सुंदर होता है कि दुनिया के सारे राजा उस किले को जीतने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। 1000 साल तक उस किले को आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है और उसके बाद भी 1000 साल के बाद भी एक राजा उसको जीतने के लिए निकल पड़ता है और एक जिद के साथ कि मैं लौटूंगा तो जीत के ही लौटूंगा। पर वैसे ही क्योंकि जैसे कि हम एक जिद के साथ जब जाते हैं तो उसके बाद हमारे घर वाले हो गए या हमारे आसपास के लोग हो गए या हम इस दुनिया के लोग हो गए, ये हमें पीछे खींचते हैं। वैसे उस राजा के साथ भी हुआ लोगों, जब वो टापू तक अपनी नाव लेके पहुंचे और रात में उन्होंने सोचा कि हम रात में स्टे करते हैं और जब सवेरे हम इसमें फतेह करने के लिए निकलेंगे, सो वो रात की नींद में राजा सोचता है कि चलो मैं बाहर घोड़ा घूमने के लिए निकलता हूं और मेरे सैनिक में क्या बातचीत हो रही है, वो सैनिकों से मिलने के लिए निकल पड़ता है। सो जब वो निकलता है तो वो अपने सैनिकों की पीछे छुपी बातों को तो वो अपने सैनिकों की बातों को सुनता है। सो उसके सैनिक आपस में बात करते रहते हैं कि यार इस किले को तो आज तक कोई फतेह कर ही नहीं पाया है, जीत नहीं पाया है, हम क्या फतेह कर पाएंगे यार, हम क्या जीत पाएंगे। सो राजा वहां पर समझ लेता है कि ये सवेरे जाएंगे भी तो भी हार जाएंगे क्योंकि अभी हार चुके हैं। दोस्तों हमेशा एक बार याद रखिएगा कि अपने दिमाग में, अपने थॉट्स में, अपने दिल में अगर आप अपने ड्रीम्स को लेकर एक भी डाउट पैदा करते हैं तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको खुद में विश्वास नहीं होगा ना जिद के साथ कि मैं तो कर ही लूंगा, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो राजा ने सोच लिया था कि अगर इन सैनिकों के साथ मैं ऊपर जाऊंगा तो ये पहले ही हार चुके हैं, ये उसके बाद भी हार ही जाएंगे और मैं भी हार जाऊंगा। तो राजा, तो दोस्तों क्या होता है कि वो कहानी में एक मोड़ आता है और राजा करता है कि वो रात में ही अपनी सारी नावों को जला देता है और इस बात की भनक उसके सैनिकों को नहीं लगने देता है। जब सुबह उठते हैं और जब सैनिक उठते हैं तो देखते हैं कि वापस जाने का कोई भी बैकअप प्लान नहीं है, कोई भी नाव नहीं है, क्योंकि राजा ने यही बात सुनी थी कि सैनिक ये कहते हैं कि यार इस किले को तो फतेह नहीं कर सकते, अगर अपन को लगेगा कि हार रहे हैं तो अपन पीछे ये जो दो तीन नाव है इसको अपन बैठ के वापस चले जाएंगे। राजा वाजा गया बाहर में। सो यही चीज होती है कि राजा क्या करता है, बैकअप प्लान को खत्म कर देता है। और जब अब सैनिकों के पास में एक ही काम होता है, करो या मरो, क्योंकि उनको पता है उनको घर तो वापस जाना ही है क्योंकि अब पीछे उनके पास में घर जाने के लिए कोई भी नाव नहीं है। सो इस किले को फतेह करके इस किले की नाव को लेकर वो घर जाएंगे। और दोस्तों होता क्या है, हिस्ट्री क्रिएट होती है, वो राजा उस किले को फतेह कर लेता है। जब तक आपको जिद और पूरा विश्वास नहीं होगा ना, आप दुनिया आपको रोकेगी, दुनिया हर चीज़ के लिए आपको ताना मारेगी, दुनिया हर चीज़ के लिए आपको बोलेगी ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मत करो, इस चीज़ में कुछ भी नहीं रखा। पर जिस दिन आपने ठान ली
जिस दिन मुझे करना ही करना है, और उसके बाद किसी की मत सुनो बस। और ध्यान रखिएगा, और जितने भी बैकअप प्लान है ना वो पूरे निकाल दो, क्योंकि अगर आपके पास में कोई बैकअप प्लान है तो ना आप अपना ध्यान अपने काम पर लगा पाओगे ना बैकअप प्लान पर। तो दोस्तों, ना आप इधर के हो जाओगे ना उधर के। मेरा ये मानना है कि अगर एक एक लक्ष्य एक रास्ता और एक लक्ष्य एक रास्ता सीधी दौड़ अगर आप दौड़ेंगे और बिना रुके अगर आप दौड़ते गए, भले कितने पत्थर हो, कितने भी मुश्किल भरा, कितने भी कांटों भरा रास्ता हो, कितने भी मोड़ क्यों ना आए, कितनी भी थकान क्यों ना हो, कितनी भी आपको धूप लगे, कितने भूखे रहें, कितने प्यासे रहें, तब भी दोस्तों रुकना नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने वाकई में नहीं रुका तो जिस दिन आप रुकेंगे और जब आप देखेंगे कि आप कहाँ पहुंच गए, तब तक आप अपनी मंजिल को पीछे छोड़ चुके होंगे और अपनी मंजिल से भी आगे निकल चुके होंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और एक बात ध्यान रखिएगा, अपने लक्ष्य जरूर बनाइए, और लक्ष्य बनाने के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य रखिए, दो लक्ष्यों को कभी मत रखिए, क्योंकि दो लक्ष्यों पर एक साथ काम कभी नहीं किया जा सकता है। ये वीडियो उन मेरे सभी भाइयों के लिए है जो दो तीन लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि ये नहीं तो वो अचीव हो गया, वो नहीं तो ये अचीव हो गया, और ऐसे में होता क्या है कि कोई भी लक्ष्य अचीव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हमेशा याद है कि एक ही लक्ष्य बनाइए, उसके पीछे दौड़िए और उसको जिद के साथ अचीव कीजिए कि मुझे जिद है कि जब तक मैं इसको अचीव नहीं कर लूंगा तब तक सांस नहीं लूंगा। आई होप कि दूसरी सांस तभी लेंगे जब वो आप अचीव कर लेंगे। मुझे आप में पूरा विश्वास है, जो भी वीडियो देख रहा होगा वो अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से भेदेगा, अपने लक्ष्य को पाएगा, जीवन में वो कर जाएगा जो उसने कभी सोचा नहीं था। और रुद्र अग्रवाल हमेशा आपके साथ रहेगा, मुझे आप में पूरा कॉन्फिडेंस है और पूरा विश्वास है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो नीचे दिए लाल बटन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो में कही गई बातें अगर आपको दिल पे छूती है ना तो ही लाइक कीजिएगा, वरना लाइक मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।